ठीक है, वेव्स की डेरिवेशन चल रही है. एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड. एक स्ट्रिंग जो दोनों एंड पे क्या है, फिक्स्ड है, तो कैसी बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री है. ठीक है, यहाँ एक स्टेशनरी वेव ट्रैवल कर रही है, तो इंसिडेंट वाली पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है और टकराने के बाद वापस जो आएगी वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड. तो लेट कर लेते हैं कि इंसिडेंट वाली जो है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है. वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. पॉजिटिव डायरेक्शन में बीच में माइनस आता है. नेगेटिव डायरेक्शन जो जाई जाने वाली की डिस्प्लेसमेंट ये, और जो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी उसकी वो नेगेटिव एक्स में आ रही है, तो बीच में प्लस आ जाता है. ये दोनों में क्या होता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगता है. मतलब ये दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, तो ये आ जाएगा ए. अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब ये बाउंड्री रिजिड बोला हो, बाउंड्री फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड मतलब रिजिड, तो जो आने वाली वापस आएगी, जाने वाली और आने वाली के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है, पाई. तो आगे एक माइनस भी लगेगा. माइनस का ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जैसे यहाँ से एक वेव गई होगी, तो जो यहाँ पे लेट सपोज क्रस्ट टकराया होगा जाने वाली वेव का, तो आते वाली कौन वापस आएगा, ट्रफ. ऐसा क्यों होता है, बाउंड्री रिजिड है. बाउंड्री कैसी है, रिजिड. दो टाइप की बाउंड्री होती है, ओपन और रिजिड. रिजिड बाउंड्री में रिफ्लेक्टेड वेव रिवर्स डायरेक्शन में आती है. डायरेक्शन में तो है ही है रिवर्स डायरेक्शन में, लेकिन फेज एंगल कितना होता है, फर्स्ट वाली के साथ पाई एंगल होता है. फेज एंगल कितना होता है, फर्स्ट के साथ पाई. मतलब अगर क्रस्ट टकराया होगा उस बाउंड्री से, तो वापस कौन आएगा, ट्रफ. जैसे ऐसे क्रस्ट टकराया होगा तो वापस ट्रफ ऐसे आएगा. ठीक, इसीलिए वो माइनस आया. अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं. ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा और ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन ए माइनस बी. तो यहाँ पे ए कॉमन आ गया, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. एक आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे, साइन ए माइनस बी यूजिंग साइन ए माइनस बी प्लस माइनस है बीच में, माइनस साइन ए प्लस बी. इसको लिख देना बीच में माइनस है, तो ओमेगा टी कॉस वाले के साथ आएगा, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी. अब ए की जगह अपने पास क्या, ओमेगा टी. तो y इक्वल टू आ जाएगा टू, ये वाला a एज इट इज, cos a की जगह क्या अपने पास, ओमेगा t, और b की जगह क्या अपने पास, kx, तो sin kx. ओमेगा t वाली टर्म को छोड़ के सारा एम्पलीट्यूड होता है. y इक्वल टू टू ए साइन के एक्स इक्वल बचा क्या, cos ओमेगा t. यहाँ पे माइनस ए कॉमन ले लेंगे, माइनस ए कॉमन लेंगे, तो ये वाली टर्म पहले लिख लेंगे और ये वाली टर्म बाद में लिख लेंगे. अब आइडेंटिटी लगेगी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. क्या होती है आइडेंटिटी, टू कॉस ए साइन ए. बस वो माइनस ए है आगे, तो माइनस माइनस ऐसे आ जाएगा. माइनस ए कॉमन लेना है, माइनस ए कॉमन लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वाली टर्म बाद में लिख दी और वो वाली टर्म पहले लिख दी है, तब आइडेंटिटी लगेगी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. फार्मूला टू कॉस ए साइन बी. ए की जगह क्या दिख रहा है, ओमेगा टी. बी की जगह क्या दिख रहा है, के एक्स. अब कॉस ओमेगा टी को छोड़ के सारी टर्म एम्पलीट्यूड है, ऐसे बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. अब हमें पता है कि यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे बंधी हुई है और यहाँ पे बंधी हुई है. जब जहाँ पे स्ट्रिंग बंधी होती है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, मतलब वाई वहाँ पे ये ज़ीरो होता है, जहाँ पे एक्स ज़ीरो हो या एक्स एल हो. क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बंधा हुआ है, फिक्स्ड है. यानी जब भी जो फिक्स्ड एंड होते हैं वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ज़ीरो. तो एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो वाई ज़ीरो है, और एट एक्स इक्वल टू एल
वहाँ पे भी वाई क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ पे एक्स, ये जो एम्पलीट्यूड है इसकी, वाई को ज़ीरो डालूँगा, इसको क्या डालूँगा, एक्स को क्या डालूँगा, एल। नाउ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड 2a साइन इस वाली पोजीशन पे 2a साइन के एल, वाई को क्या डालना है, अगर एक्स को एल डालना तो वाई को क्या डालना, ज़ीरो। साइन की वैल्यू कहाँ पे ज़ीरो होती है, साइन की वैल्यू कहाँ पे ज़ीरो होती है, साइन के एल इक्वल टू पाई का मल्टीपल कहीं पे भी, साइन एन पाई। यहाँ से के एल इक्वल टू आ जाएगा एन पाई, अरे पाई का मल्टीपल कुछ भी हो साइन ज़ीरो होएगा। के की वैल्यू क्या होती है, टू पाई बाई लैम्डा, एल को ऐसे रखा एन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास वेव लेंथ आ जाती है, या लेंथ निकाल लो पहले, एल कितना आ जाएगा, टू लैम्डा, टू नहीं एन लैम्डा बाई टू, एन लैम्डा बाई टू। वेव लेंथ और स्ट्रिंग की लेंथ में ये रिलेशन आ गया, यहाँ से आप लैम्डा भी निकाल सकते हो। करता हूँ एन की वैल्यू, ये देखो एल आ गया हमारे पास एन लैम्डा बाई टू, एल इक्वल टू कितना आ गया एन लैम्डा बाई टू। एन की वैल्यू क्या होती है, जीरो वन टू थ्री एंड अप टू सो ऑन। लैम्डा कितना आ जाएगा यहाँ से, टू एल बाई एन लैम्डा आ गया। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, एन एन नहीं करते हैं क्योंकि एन अपना नंबर चल रहा है। फ्रीक्वेंसी को वैसे न्यू से डिनोट कर लेते हैं, न्यू इक्वल टू होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता था फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी हो गया स्पीड डिवाइड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी आई मेरी ये, तो ये एनथ फ्रीक्वेंसी निकल रही है, तो वेवलेंथ की जगह ये डाल देता हूँ 2l by n, तो कितना आ जाएगा, लैम्डा की जगह डालना है v डिवाइड बाय 2l by n, फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। अब याद करो जब हमने जो ये स्ट्रिंग है, जब स्ट्रिंग ट्रैवल करती है, सॉरी वेव एक स्ट्रिंग में ट्रैवल करते, तो वेव की स्पीड हम निकाल चुके हैं पहले, तो वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता था पुट v इक्वल टू एक उसमें पुट v इक्वल टू अंडर रूट टी की टर्म में होता था स्ट्रिंग में, ठीक है, अंडर रूट वन अपॉन टू एल होता था आगे, कांस्टेंट होता था, मतलब टी बाई एम, उस कांस्टेंट को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, टी बाई एम, टी होता था सरफेस, टी होता था टेंशन और एम होता था मास पर यूनिट लेंथ, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, पर यूनिट लेंथ। तो वी की जगह ये डाल दो, तो एनथ फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास, एन बाई टू एल, एन बाई टू एल अंडर रूट टी बाई एम। अब n की वैल्यू 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, इनको बोलते हैं नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालने पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आती हैं, इसको बोला जाता है नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालने के लिए n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब बताओ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट मोड के लिए क्या करना पड़ेगा, एन को वन डालना पड़ेगा, फर्स्ट मोड पुट एन इक्वल टू वन इन इक्वेशन टू, फ्रीक्वेंसी वन कितनी आ जाएगी, वन बाई टू एल अंडर रूट टी बाई एम। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ गई इतनी, एन को वन डालने पे जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है इस पहली वाली फ्रीक्वेंसी को, या फर्स्ट मोड भी बोल सकते हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, सेकंड मोड के लिए एन को क्या डालना है, टू, सेकंड मोड के लिए एन इक्वल टू टू डालो,
एन इक्वल टू टू इन इक्वेशन टू, तो सेकंड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 बाई एल, जब 2 डालूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बाई एल अंडर रूट टी बाई एम। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से रिलेशन बनाने के लिए अगर मैं इसको ऐसे करता 2 1 बाई टू एल, काटता ही ना 2, तो ये रिलेशन बन गया। देख सेकंड फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, ये तो फर्स्ट ही है ना, तो सेकंड फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट। इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं इज कॉल्ड, ये थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये है सेकंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इसका फर्स्ट का मल्टीपल हो गया। अब इनके डायग्राम भी आपको साथ के साथ बनाने हैं। फर्स्ट वाली को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका फर्स्ट हार्मोनिक भी इसको बोल सकते हो, फर्स्ट हार्मोनिक। और सेकंड वाले को बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, या इसका दूसरा नाम है फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवर टोन। अब इन दोनों के डायग्राम बनाते हैं। अब देखो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा होगा, स्ट्रिंग ऐसे 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 बंधी हुई है फर्स्ट हार्मोनिक में, ठीक है, तो दोनों तरफ से स्ट्रिंग ऐसे बंधी हुई है, तो ध्यान से देखिए, जब मैंने n को 1 डाला फ्रीक्वेंसी में, और इससे पहले मैंने इक्वेशन एक लैम्डा की एक इक्वेशन बनाई थी, लैम्डा की इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन 1 जो थी, इक्वेशन 1 क्या थी, लैम्डा की इक्वेशन 1 क्या थी, लैम्डा इक्वल टू एन एल बाई, लैम्डा नहीं फ्रीक्वेंसी, हाँ एल कितना आया था, एल कितना आया था, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एल इक्वल टू एन लैम्डा बाई टू, ये आया था। एन की वैल्यू 1 डालने पे लेंथ कितनी आ रही है फॉर फर्स्ट मोड, एन इक्वल टू 1 डालूंगा तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू। अब आपको स्टैंडर्ड डायग्राम याद होना चाहिए वेव का, वेव का स्टैंडर्ड डायग्राम क्या होता है, वेव का अभी मैं यहाँ पे नहीं फर्स्ट मोड करने वाला, पर मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। एक ऐसे वेव चलेगी, तो आप इसको समझो जीरो से लेके ये वाला पोर्शन होता है लैम्डा बाई टू, ये टोटल लैम्डा होता है, यानी आप ऐसा समझो कि एक क्रस्ट या एक ट्रफ लैम्डा बाई टू होता है, एक क्रस्ट या एक ट्रफ क्या होता है लैम्डा बाई टू होता है। अगर लैम्डा बाई फोर हो तो क्रस्ट का भी हाफ, और ये वाला पोर्शन कितना आएगा 3 लैम्डा बाई फोर, मतलब जो जीरो से पीक तक का गैप है वो कितना है लैम्डा बाई फोर, और जीरो से जीरो तक का गैप कितना है लैम्डा बाई टू, ठीक है। अब फर्स्ट मोड के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट मोड के लिए फ्रीक्वेंसी निकाल ली, लेंथ निकालते हैं। एन इक्वल टू वन के लिए लेंथ जो आएगी, लेंथ का फार्मूला क्या होता है एन लैम्डा बाई टू, तो लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू मतलब एक क्रस्ट, तो डायग्राम ऐसे बनेगा। देख ये वो स्ट्रिंग थी एक्स इक्वल टू जीरो पे बंधी हुई थी और एक्स इक्वल टू एल पे बंधी हुई थी, एक क्रस्ट, क्रस्ट जाने वाली का इंसिडेंट का और ट्रफ आने वाली का। क्रस्ट ट्रफ क्यों बना रहा, क्योंकि बंधे हुए, मैंने बताया था ना रिजिड बाउंड्री है, तो अगर एक का क्रस्ट जा रहा तो दूसरे का क्या आएगा ट्रफ, तो ये जो लेंथ है अपनी पास कितनी आ गई लैम्डा बाई टू। फर्स्ट मोड के साथ ये डायग्राम बन गया। सेकंड मोड के लिए देखो, फॉर एन इक्वल टू टू लेंथ बताओ कितना आया, लेंथ बताओ कितना आया लैम्डा, एन को टू डालेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा अब क्या, लैम्डा मतलब कितना क्रस्ट ट्रफ, तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा। देख एक का क्रस्ट गया फिर ट्रफ गया, ये इंसिडेंट का बना, अब इंसिडेंट का वहाँ ट्रफ टकरा रहा है तो रिवर्स में वापस कौन आएगा क्रस्ट, तो ये x जीरो से लेके x इक्वल टू एल तक का ग्राफ बन गया, डायग्राम बन गया, लेंथ आ गई लैम्डा। तो फर्स्ट मोड हो गया, सेकंड मोड हो गया, नेक्स्ट थर्ड मोड।
थर्ड मोड के लिए n को 3 डाल दो, थर्ड मोड n की वैल्यू 3 डाल दो, लेंथ कितना आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, और लैम्डा कितना आ जाएगा, या फ्रीक्वेंसी में डाल दो सीधा ही, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इक्वेशन 1 थी, n बाई 12 था, n की जगह 3 डालना है, तो 3 बाई 12 अंडर रूट टी बाई एम, तो 1 अपॉन 12 अंडर टी बाई एम क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली हो जाएगी, तो ये थर्ड टाइम्स आ गई फर्स्ट वन के, इसीलिए इसको बोला जाता है इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक, हार्मोनिक और एक कम ओवरटोन हो जाएगा और सेकंड ओवरटोन। इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो लेंथ कितनी है 3 लैम्डा बाई 2, तो 3 लैम्डा बाई 2 कैसे होएगा, एक लैम्डा तो ये हुआ और फिर लैम्डा बाई 2 ये हुआ, ये इंसिडेंट का है तो ये रिफ्लेक्टेड का है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l तक एंड अप टू सो ऑन nth, मतलब ऐसे ही करते जाएंगे तो nth वाले आ जाएगा। अच्छा, इस फ्रीक्वेंसीज का रेशो पूछा जाता है, न्यू वन ओवर न्यू वन रेशो न्यू टू रेशो न्यू थ्री अगर हम करें तो आंसर आएगा 1:2:3। तो ये थी डेरिवेशन जब स्ट्रिंग दोनों एंड पे क्या हो फिक्स्ड, तो उसको कैसे आप कैसे क्या क्या फ्रीक्वेंसीज होंगी, क्या क्या नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे।